और आज महालक्ष्मी एक्सप्रेस के जो फंस गई थी पानी में, बरसात के पानी के बाद में, उससे सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया सुरक्षित तरीके से। उसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त कुछ संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अपने बोट और अपने गोताखोरों के साथ वहाँ तत्परता के साथ उन्होंने लोगों की जान बचाने में जुटी रही और ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने महालक्ष्मी एक्सप्रेस के लोगों की जान बचाने में तत्परता दिखाई है, सहयोग किया है, सबको गृह मंत्रालय की ओर से और आपने आदरणीय गृह मंत्री जी की ओर से उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 200 जगहों के अलावा देखिए, NDRF की टीम साहस और संवेदनाओं के साथ काम करती है और इतने अच्छे तरीके NDRF के टीम ने अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर योजना बनाई। आप सोच सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक जहां पे महालक्ष्मी खड़ी थी, फंसी थी पानी के बीच, वहां से जहां पानी नहीं है, जिस ऊंचाई तक ले जाना था जो पहाड़ी के पास था, वहां से एक लंबी दूरी होने के बावजूद भी सारे ऐसे यात्रियों को जिनको निकाला जा रहा था उनको एक सही डायरेक्शन में ले जाना, सुरक्षा के साथ ले जाना। और पहले एक स्ट्रेटजी तैयार की गई थी कि बच्चों को, महिलाओं को और ऐसे विकलांगों को जो चल नहीं सकते थे और ऐसे बुजुर्गों को पहले टारगेट करके वहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उसके बाद फिर अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बादलपुर और के बदलापुर जहाँ यह ट्रेन फंसी थी, वहाँ से जब सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया तो रेलवे के द्वारा फिर उनके उनको आगे गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किया गया। और पूरे इस बीच में खाद्य सामग्री हो, पेयजल हो, रेलवे के कर्मचारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा उसकी भी व्यवस्था की गई थी और उसके सहयोग में भी NDRF और एयरफोर्स का सहयोग था। नहीं, आप चाहे तो शॉर्ट में भी इसको हम दे सकते हैं। क्या शॉर्ट करना है? क्या करते हैं तो 4-5 लाख नहीं, हम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कभी कभी लोग चाहते हैं कि शॉर्ट कर दे, लेकिन एक बार नहीं, आप तो कर तो सकते ही हैं तो कर लें। ऐसा एक हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनकी प्रतिबद्धता और उनका प्रबंधन का मार्गदर्शन और हमारे माननीय गृह मंत्री जी की वह कुशलता, उनका नेतृत्व और आज का मार्गदर्शन बहुत ही आज इस सफलता को प्राप्त करने में सहायक रही है। आपको बाकी चीज़ तो पहले मैं दे दिया। आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जो बता रहे थे महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र में आज बारिश के पानी में फंस गई थी, उसमें लगभग 700 यात्री थे, उनको सुरक्षित निकाला गया। किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया उसको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिन भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, तमाम एजेंसियाँ हों चाहे स्थानीय लोग हों, सबका उन्होंने धन्यवाद किया है इस बात को लेकर कि उन्होंने मदद की और एक तरीके से बुरी स्थिति में सहयोग किया उन तमाम यात्रियों का जो कि मजबूरी में फंसे।